इंदौर में बालिग होने के बावजूद 20,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीएलओ के माध्यम से कराए गए सर्वे में 2019 में बालिग हो रहे युवाओं को भी शामिल किया जा रहा है, लेकिन निर्वाचन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार 1 जनवरी 2018 तक बालिग हुए मतदाता ही वोट कर पाएंगे, जिसके तहत लगभग 20,000 युवा नवंबर से संभावित मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि सभी लोग 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे।